बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंबई के शक्ति मिल में महिला फोटो पत्रकार से गैंग रेप केस में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। इस मामले में 5 आरोपी थे, जिनमें से 1 आरोपी जुवेनाइल था। पिछले साल अगस्त में ये गैंग रेप की वारदात हुई थी और अब से कुछ ही देर पहले शक्ति मिल गैंग रेप केस में कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी करार दिया है। ये 4 आरोपी अब दोषी करार दिए गए हैं। शक्ति मिल में महिला फोटो पत्रकार से अगस्त के महीने में गैंग रेप हुआ था और अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट ने 4 आरोपियों को फिलहाल दोषी करार दे दिया है। अब से कुछ ही देर पहले कोर्ट का यह फैसला आया है, जब महिला फोटो पत्रकार के साथ अगस्त के महीने में गैंग रेप हुआ था। इसमें कुल 5 आरोपी थे, जिसमें से 1 जुवेनाइल था। 4 आरोपियों को अब से कुछ ही देर पहले कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। अब से कुछ ही देर पहले कोर्ट का यह फैसला आया है और अब 4 दोषी करार दिए गए हैं। महिला पत्रकार के साथ पिछले साल अगस्त के महीने में ये गैंग रेप हुआ था और खरा न्याय मिळालेला आहे। घटना घडल्यानंतर केवळ 27 दिवसाच्या आत संपूर्ण तपास पूर्ण करून मुंबई पोलीस आणि क्राईम ब्रँच यांनी चार्जशीट दाखल केलं होतं आणि रोजच्या रोज सुनावणी घेऊन अत्यंत कमी वेळामध्ये आज दोन्ही घटनांमध्ये आरोपीवरचे आरोप सिद्ध झालेले आहेत। अत्यंत कमी वेळामध्ये पीडित कुटुंबियांना न्याय मिळाला आहे। आज जो न्यायालय से फैसला आया है, उससे पीड़ित महिला और उनके परिवार को अत्यंत कम समय में चार्जशीट दर्ज किया गया था। हर रोज सुनावनी करके बहुत कम समय में आज जजमेंट भी आया है। तो आर.आर. पाटिल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा बहुत कम समय में चार्जशीट दाखिल की गई थी और जजमेंट बहुत कम समय में आया है और ऐसे में ये न्याय है उस महिला फोटो पत्रकार के लिए। हमारे संवाददाता दीपक दुबे इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, कितनी देर पहले यह फैसला और क्या कुछ कहा गया इस फैसले में? जी, इस मामले में जो सभी आरोपी हैं, 5 आरोपी, उनको दोषी करार दिया गया है। हालांकि कुल 7 आरोपी थे महिला दलित गैंग रेप मामले में और टेलीफोन ऑपरेटर गैंग रेप मामले में, लेकिन उसमें से जो 2 आरोपी हैं वो माइनर हैं और 3 आरोपी कॉमन थे इस पूरे केस के। अभी सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया, इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। आर.आर. पाटिल जो गृह मंत्री हैं, वो खुद सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद थे। अब कल इससे फैसला होगा कि इन्हें कितने साल की सजा या किस तरह की सजा इन्हें दी जाती है। जी जी, इसके अलावा कब होनी है कोर्ट की अगली सुनवाई, इनके फैसले पर इनको क्या सजा दी जाएगी, इस पर कब फैसला आना है, इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? जी, कल इससे फैसला होगा। कल सेशन कोर्ट में एक बार फिर से पूरे जो लोग हैं वो पहुंचेंगे, आरोपियों को लाया जाएगा, उसके बाद सजा का ऐलान होगा कि इन सभी आरोपियों को क्या सजा दी जाए सेशन कोर्ट के द्वारा। सेशन कोर्ट इस पर अपना फैसला कल सुनाएंगे। जी, इसके अलावा आपने बताया कि टेलीफोन ऑपरेटर केस में भी जो आरोपी थे उन्हें दोषी करार दिया गया है और जो फोटो जर्नलिस्ट गैंगरेप था इसमें भी दोषी। कितने इसमें कॉमन है, कितने दोषी है, कितने माइनर है, एक बार फिर से दर्शकों के लिए बताएं। जी, कुल इसमें 7 आरोपी थे, जिसमें से 5 आरोपी जो मेन है और 3 आरोपी कॉमन थे। 2 आरोपी इसमें से माइनर है। माइनर का जो केस चल रहा है वो जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। हालांकि अभी 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में, जो दोनों आरोपी हैं उन दोनों जो केस थे, दोनों केस मामले में 5 आरोपियों को सजा सुनाई गई, दोषी करार दिया गया है। अब सजा का ऐलान कल होगा, सेशन कोर्ट एक बार फिर से कल खुलेगा और उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आर.आर. पाटिल खुद आज मौजूद थे, हो सकता है कल सजा के ऐलान के वक्त वो फिर से आए और सजा का ऐलान होगा। जी, दीपक, आर.आर. पाटिल ने अपने बयान में अभी ये कहा कि बहुत ही जल्दी इस पूरे केस में चार्जशीट भी दाखिल हो गई थी और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस महिला फोटो पत्रकार को न्याय मिले। चार्जशीट कब दाखिल हुई, जब से ये गैंगरेप का मामला सामने आया है, रोशनी में आया है, तब से लेकर अब तक चार्जशीट के दाखिल होने और इतनी सुनवाई के बाद अब दोषी करा दी गई, क्या क्या हुआ, कब कब हुआ? अभी 22 अगस्त 2013 को महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी, जब महिला जर्नलिस्ट अपने एक अपने कलीग के साथ गई थी, शक्ति मिल गई थी, वहां पे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गई थी। उस समय जो 5 आरोपी हैं उन्होंने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। मीडिया में जब खबर आई, उसके बाद जाके
जो दूसरी पीड़िता है वो सामने आती है, टेलीफोन ऑपरेटर, उन्होंने भी शिकायत की कि यही वो आरोपी थे जिन्होंने उनके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था और उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया गया था, उनके द्वारा जो अश्लील फोटो थी वो निकाली गई थी। ये पहला केस नहीं था ऐसा, ये दूसरा केस नहीं था। ये लोग ने कई लड़कियों को अपना अपनी हवस का शिकार बनाया था। 9 से 10 केस पूछताछ पुलिस के सामने आए थे कि इन्होंने कई लड़कियों को, मासूम लड़कियों को अपना निशाना बनाया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच हरकत में आती है, 45 गवाहों और 45 जो गवाह थे और एक प्रत्यक्षदर्शी की मदद से पूरे मामले को आगे लाया जाता है, पूछताछ होती है और उस एविडेंस के आधार पर जाके इन दोषियों को 7 महीने बाद आखिरकार आज दोषी करार दिया गया। चलिए इस खबर पर आप अपनी नजर बना रखिये दीपक, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए न्यूज 24।